in this video I am going to explain you the solution regarding question number 5, which is on page number 10, chapter 1, matter in our surrounding, class 9. So let's have a focus on the question now. Question here, what type of clothes should we wear in summer? किस तरह के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए? But obvious, we should wear cotton clothes in summer. लेकिन हमें कॉटन कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए समर में? Reason? Anybody? Any guesses? Okay, now I'll tell to you. See, जो कॉटन होता है, it is a good absorber of water. और आप सबको पता है, समर में हमें मतलब गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है. तो कॉटन कपड़े अगर हम पहनेंगे, तो जो पसीना आ रहा है, वो कॉटन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? सो जो लिक्विड उस कॉटन कपड़े में आ गया है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो वो कॉटन जो है उसको एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज किया, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने का मतलब है कि यार हम धूप में चल रहे हैं, कॉटन हमने कपड़ा पहना हुआ है, पसीने हमें आ रहे हैं, कॉटन ने पसीने को एब्जॉर्ब कर लिया, धूप पड़ रही है. अब जो धूप पड़ रही है उस कॉटन कपड़े पे, दैट मीन्स वो जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, एक्सपोज हो गया है. अब वो हो गया तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा. इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी सराउंडिंग में. सराउंडिंग क्या है? हमारी बॉडी है, तो हमें ठंडक मिलेगी. यस, इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, कॉटन एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस दैट लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर. During this evaporation, the particles at the surface of the liquid, they gain energy from our body surface, making our body cool. ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को. सो अब आपको किस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है वो अब आप ब्लैकबोर्ड पे देखिए. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन द टेक्स्ट बुक और इन द आंसर शीट. Okay, so we should wear cotton clothes in summers. During summers, we sweat more. On the other hand, cotton is a good absorber of water. Thus, it absorbs sweat from our body and exposes the liquid to the atmosphere, making evaporation faster. Okay, during this evaporation, particles on the surface of the liquid gain energy from our body surface, making the body cool. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय.